चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 26 साल से गुम हुई सोने की चेन का इंतजार कर रही पिंकी डिकुना को आखिर मिल गई अपनी खोई हुई चेन। मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन से विरार की ट्रेन में चढ़ने के दौरान पिंकी हुई थी चेन स्नैचिंग का शिकार। क्या आप मान सकते हैं कि 26 साल पहले जो सोने की चेन चुराई गई थी वो आपको वापस मिल जाएगी? यही हाल था चोरी की कंप्लेंट करने वाली महिला पिंकी का, जिसे पुलिस ने फोन कर उनकी चोरी हुई चेन हम देने आ रहे ऐसा कॉल करते हुए कहा। पुलिस ने जब चेन फरियादी को दी तब उन्हें और उनके परिवार को लगा कि ये सपना नहीं हकीकत है। फरियादी और उनके परिवार वाले भर भर के पुलिस को दुआएं देते नहीं थक रहे हैं। यह है पिंकी डिकुना, जो पालगढ़ जिले के वसई शहर की रहने वाली है। 9 फरवरी 1994 की शाम को चर्चगेट रेलवे स्टेशन से विरार के लिए ट्रेन पकड़ने के समय भीड़ में जब ट्रेन में घुसी तब पीछे से उसकी सोने की चेन किसी ने चुरा ली। इस मामले को 26 साल हो गए और पिंकी इस हादसे को भुला चुकी थी। अचानक मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस पिंकी को खोजते हुए वसई पहुंची और उनके हाथ में उनकी चेन थमाई। तब पिंकी को उस दिन का मंजर फिर से जहन में दौड़ने लगा। कुछ देर बाद जब पिंकी ने अपने दिल को काबू में किया तब उसे एहसास हुआ कि वह भूल गई थी, मगर पुलिस नहीं भूली और चेन लौटाने के लिए उनके दरवाजे तक आ गई। अपनी चेन दोबारा मिलने के बाद में क्या कुछ कहा पिंकी ने, आगे सुनिए वीडियो में। और क्या कुछ कहा उस पुलिस वाले ने जिसने इस कारस्तानी को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। 26 साल पहले का चेन शुरू हुई थी, मिली है। हाँ। कैसे लगता है? वेरी अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग है बहुत मेरे लिए वो चीज़। जब पता चला, मुझे फ़ोन आया, मेरे भाई का फ़ोन आया मेरे को, क्योंकि उनको फ़ोन गया था वो पुलिस का। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैं उन मेरे भाई को बोली कि मुझे ये कुछ बराबर नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ पैसे भी से निकालने होगा, कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन निकाला होगा और अपने से पैसे निकालने वाले होगा, कोई फेक कोई होगा लाइक। लेकिन बाद में जब उनका खुद का फ़ोन आया और लेके आए ना, तो भी मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन तब भी मेरे को बहुत सरप्राइजिंग था। मतलब मिलिंद पाटिल इंस्पेक्टर वो लेके आए थे, तो उन्होंने हैंड ओवर किया और साइन लिया मेरे से, स्टैम्प पेपर पे, और देके गए थे। कैसे चोरी हुई थी चेन? वो मैं वो टाइम पे मरीन लाइन्स में ऑफिस में जॉब करती थी, तो शाम के टाइम मैं चर्चगेट जाती थी ट्रेन पकड़ने को विरार। तो ट्रेन में चढ़ते, ट्रेन आई वो टाइम पे बहुत क्राउडेड था, ट्रेन में चढ़ते टाइम इतना क्राउड था कि पीछे से वो कौन खींच रहा था वो पता भी नहीं चल रहा था, पूरा वो ताकत लगा, वो टूट भी नहीं रही थी चेन। मैं पूरा मतलब सांस लेना मुश्किल हो गया था और आजू बाजू में कोई देख नहीं रहा है, वो अंदर घुसने के इसमें था एकदम। लेकिन जैसे जैसे वो टूट गया इसलिए अच्छा है, बहुत रैशेस आ गए थे गले पर, तो मेरी जान भी जाती थी इतनी मतलब एकदम ये हो गई थी मैं वो टाइम। पुलिस के बारे में क्या कहोगे? लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को मतलब पुलिस के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने 26 के साल बाद भी लाके देना, ढूंढना एक इंसान को बहुत बड़ी बात है, और वो आके देके भी गए इतना। फरियादी सब पिंकी सुनील डिकुना, इन्होंने चर्चगेट रेलवे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते समय उनके सोने की गले की चेन चोरी हुई बारे में मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाने में गुना नंबर 38/94 ऐसी तकरार 9 फरवरी 1994 में दर्ज की गई थी। उस गुने में 15 अप्रैल 1994 में मोहम्मद नासिर नाजिर को अरेस्ट करते हुए उसके पास से यह चेन बरामद की गई। केस चलते हुए के कारण यह चेन मुद्देमाल कक्ष में जमा की गई थी। केस खत्म होने के बाद फरियाद में फरियादी का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर न होने के कारण कुछ पता नहीं लग सका। फरियादी ने वह रूम 14 साल पहले छोड़ दी थी। पुलिस कमिश्नर श्री सेनगावकर साहब, इन्होंने फरियादी का एवज वापस करने की एक मुहिम चालू की। उसके अनुसंग में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री दीवार साहब मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस थाना, इन्होंने एक टीम तैयार की और फरियादी को ढूंढते हुए उनका एवज वापस करने को चालू किया। 20 अगस्त 2020 को पुलिस हवालदार दादा साहब माने और मैं फरियादी पिंकी डिकुना इनके वसई के घर पर पहुंचे, तब पाई बिल्डिंग रूम नंबर 18 में लॉक था। हमने आजू बाजू में पूछताछ की
तब दूसरे रूम के घर मालिक से मोबाइल नंबर पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिंकी के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। थोड़ी ही देर में पिंकी के भाई का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि पिंकी मेरी बहन है, उन्होंने ही यह चेन चोरी हुई की तकरार दर्ज की थी। जब पिंकी को यह बात पता चली तो उनको ये बात झूठ लग रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई हमें फंसा रहा है, हमसे कुछ मजाक कर रहा है। लेकिन 22 अगस्त 2020 को जब हम पिंकी के घर पर पहुँचे और उनकी चेन उनको दिखाई और उनको बताया कि यह आपकी 26 साल पहले चोरी हुई चेन है, तभी उनको सच नहीं लग रहा था कि यह मेरी 26 साल पहले चोरी हुई चेन ही है। लेकिन उनको बहुत खुशी हुई कि 26 साल पहले चोरी की हुई चेन मिली। उन्होंने पुलिस कमिश्नर श्री सेनगांवकर साहब, दीवार साहब और हमारे पूरे टीम को धन्यवाद कहा। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।